सीरियल नंबर, कौन सा सीरियल नंबर आएगा अभी? हाँ यह सीरियल नंबर कौन सा है? ट्वेंटी थ्री सर। 23। ओके, 23 फिजिकल क्वांटिटी का नाम है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को इंडिकेट किया जाता है क्यू से। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। पता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, इसका फॉर्मूला है। इसका यूनिट इन एम के एस इज एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे बोलते हैं सी यानी कूलम। 12th स्टैंडर्ड में ये सब डिटेल में आएगा। तो एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड कूलम। सीजीएस में उसका यूनिट होता है स्टेट कूलम। ये आगे भी नहीं आएगा, ठीक है, कुछ काम का नहीं है। ऐसे ही याद रखना कि भाई सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए वन, वो आपको पता है। टाइम का होता है टी वन, यानी ए वन टी वन विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं 24, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिकेटेड एज ई, और ई क्या होता है? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा ये न्यूटन पर कूलम, इसकी जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप फाइंड करना है। ई इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, अपने आप करना ही है। फोर्स का डिवाइडेड बाय चार्ज का आपको पता ही है। सी ये सारी चीजें अगर आपको याद नहीं रहती हो तो चलेगा, बट ये कैसे डिराइव हो रहा है ना, वो खास याद रखना। हाउ टू डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू रिमेम्बर ऑल दिस डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ठीक है। ये अभी सब याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फॉर्मूला अगर पता हो तो डेरिवेशन कैसे हो रहा है ना डायमेंशनल फॉर्मूला का, वो याद रखना। नंबर 25, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सिंबल है इसका पी, और पी क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू डिस्टेंस। ये है चार्ज और ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस और चार्ज दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका यूनिट क्या होगा? देखो चार्ज का क्या होता है? इट इज कूलम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कूलम इंटू मीटर, इसकी जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप फाइंड करना है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला रखो, इंटू डिस्टेंस का रखो, मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायपोल मीन्स, देखो डाई यानी दो, पोल यानी पोल, यानी अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज हो और दूसरा माइनस क्यू चार्ज हो, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। डाई यानी दो दो पोल है, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग जनरली लेते हैं 2a या फिर d ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज d। नॉइस आ रहा है माइक में से, रुको अभी।
सर आपका आवाज यहाँ तक हम लोगों ने देखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फाइ इज इक्वल टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। एंड वन मोर फिजिकल क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, दैट इज जे, और जे क्या होता है, इट इज करंट अपॉन एरिया। इलेक्ट्रिक करंट पासिंग पर यूनिट एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अपने आप फाइंड करना है।